दुनिया में हिंदुस्तान का साहस, शौर्य और पराक्रम प्रसिद्ध है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगे हर हर प्रत्येक घर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तिरंगे झंडे की रैलियां निकाली जा रही हैं। पूरा देश तिरंगामय हो गया। इसी अवसर पर आज ये तिरंगा यात्रा मथुरा में निकल रही है, विशाल है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के अवाना जी, पंडित सेवाराम शर्मा जी, मुरलीलाल शर्मा जी और हमारे सभी साथी यहाँ आज तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे और पूरी तरह से 15 अगस्त की तैयारी 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मौन जुलूस की यात्रा होगी और इसके बाद एक प्रदर्शनी जो 1947 की हमारी देश विभाजन की विभीषिका है उसके ऊपर एक प्रदर्शनी भी होगी। अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे शुभकामनाओं के रूप में? ब्रजभूमि की समस्त जनता की तरफ से मैं ये आह्वान करता हूँ कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक घर और झोंपड़ी पे तिरंगा लहराए और जिस देश के जिस राष्ट्र का राष्ट्र धर्म सब धर्मों से बड़ा है, हम सबको देश के विकास के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसी का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी के मन में अपने देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना पैदा करना, इसी का यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर ये तिरंगा यात्रा लगाई निकाली।